हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी? और आज जो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया ना एप्रन, तो आज हम वो बनाएंगे क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट ना कई दिन से आ रही थी मेरे पास। जिस दिन मैंने जिक्र किया था ना, उस दिन से ही कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि आप एक बार बना के दिखाइए, एक बार बना के दिखाइए। तो मैंने पूरी कोशिश किया आपको डिटेल में समझाने की। मुझे थोड़ा ये था कि अगर एक भी स्टेप मिसिंग हो गया तो आप लोगों में से किसी का भी कपड़ा ख़राब ना हो जाए। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देती हूँ, पहले तो बता दिया, अभी दूसरी बता रही हूँ कि अगर आप में से मतलब जो मैं दिखाऊंगी, मतलब आपको, मैं तो नए कपड़े से बनाने वाली हूँ, सूट का बचा हुआ जो पीस था मेरे पास उसमें से। लेकिन अगर आपके पास सूट में से बचा हुआ कोई इस टाइप का पीस नहीं है, तो फिर आप जो अपना पुराना सूट है ना, उसकी साइड की सिलाई खोल दीजिए और आप फिर उसमें से बनाइए। आप उसमें से भी बड़े आराम से बना सकते हो। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, 13 जुलाई को उनके हस्बैंड का बर्थडे भी है, तो सबसे पहले मैं उनको विश कर देती हूँ। तो डियर, आपके हस्बैंड को शादी बोल रही हूँ, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपके हस्बैंड का नाम है जितेंद्र शर्मा, जो कि मेरे हस्बैंड का नाम भी है। मेरे हस्बैंड का नाम भी जितेंद्र शर्मा ही है। मैंने ना एक थैला बनाया हुआ है, जैसे कई सूट होते हैं ना, या तो ऑल ओवर प्रिंट वाले सूट, या फिर हम जो थान वगैरह में से कटवा के लेके आते हैं ना, उन सूट में से कपड़ा हमारा बच ही जाता है, जैसे साइड वाइड का जो सूट की कटिंग का होता है। तो ये वाला सूट था एक मेरा, ब्लैक कलर का, अभी भी है ये सूट। मुझे नहीं पता कि मैंने कभी वीडियो में पहना है या नहीं पहना, मुझे याद नहीं है। अभी मैं सच बताऊँ तो इस थैले में से ये पीस निकला है ना, तभी मुझे याद आया कि अच्छा, अलमारी में मेरा ये वाला सूट भी तो रखा है। और यहाँ पर जो ना मतलब जो कढ़ाई वढ़ाई के सूट होते हैं, उनके साइडों के भी जो मतलब छाटन होती है, जो कपड़ा होता है, वो मैं रख लेती हूँ उठा के, कभी ना कभी मेरे काम आ जाता है। तो मैंने अपना कपड़ा निकाल लिया है, मुझे किसके लिए मतलब कौन से कपड़े का बनाना है। और इसके बाद जो मैं 2 गिलास ले लिए हैं, उनके अंदर मैंने डाल दिया है जलजीरा पाउडर, और ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पर काला नमक। अगर आपके पास जलजीरा नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पानीपुरी मसाला भी डाल सकते हो, जलजीरा या पानीपुरी मसाला, इन दोनों में से एक तो मैं हमेशा रखती ही रखती हूँ। और ये है नींबू, तो आधा नींबू मैंने एक गिलास में निचोड़ दिया है और आधा दूसरा नींबू मैंने दूसरे गिलास में निचोड़ दिया है। और यहाँ पे अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे फ्रिज का पानी जो है बहुत ठंडे वाला नहीं पीना चाहिए। तो ये बनकर जो है रेडी हो चुका है जलजीरा, और आप बताइएगा कि किस किस को टेस्ट में अच्छा लगता है। मुझे ना जलजीरे का पानी बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मैं तो जब गोलगप्पे भी खाती हूँ ना, तो कभी मीठे पानी के साथ कभी नहीं खाना पसंद करती, मुझे तो तीखा ही पानी अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ इनकी और मम्मी के लिए ही बनाया है, क्योंकि मैं जो है ना अपना थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, और ज़्यादा काला नमक, काली मिर्च वगैरह ऐड करके। तो यहाँ पर ये सब ना बाहर बैठे हुए थे, और फिर मेरे को जो है कटिंग करने के लिए बैठना था, तो मुझे लगा चलो पहले मैं ना इनको बना के दे देती हूँ। और आपको बताइए, आप सोच रहे ना बच्चों को नहीं दे रही, क्योंकि बच्चों को ये तीखी चीज़ पसंद नहीं होती, इनके लिए मैं गुलकोंडी या फिर नींबू पानी सिंपल बना दूँगी, क्योंकि इसमें तीखा तीखा फ्लेवर तो आता ही है। बस मैंने मम्मी को और इनको दे दिया है। बस अभी ना मैंने किचन में ये मसालदानी धो के रखी थी, मतलब डिब्बियाँ तो इसकी नहीं खाली की है मैंने, जो छोटी छोटी कटोरी सी होती है ना वो, लेकिन हाँ मसालदानी बाहर वाली धो दी थी मैंने। मुझे ये थोड़ी गंदी सी लग रही थी बाहर से, मतलब हाथ लग जाते हैं ना, बेसन का कोई काम करो, आटे का काम करो, चिकनाहट का कोई काम करो, तो फट से इस पर ही हाथ सबसे पहले पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ में मसालदानी की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो फिर मुझे एकदम से याद आया, मैं इन बात पर आती हूँ मैं, कि मुझे 2-3 दिन पहले ना पहले की वीडियो में हींग को लेके कई कमेंट आए थे, 3 या 4 लोगों ने मुझसे पूछा था, कई तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मेरे लिए वो 3-4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने मेरे से पूछा था आप कौन सी हींग यूज़ करते हो, तो मैंने उनको बताया था पतंजलि की, ये रामदेव स्ट्रॉन्ग ब्रांड हींग, ये वाली हींग है, लेकिन ये मेरी पिछले महीने की हींग है। और अभी हाल फिलहाल वाली मैं आपको बताऊँ तो मेरी है ये एवरेस्ट की, इस पे 125 रुपये प्रिंट रेट है, 125 की तो खैर ये नहीं होगी, कम की पड़ी होगी। और ये वाली जो है एवरेस्ट की, इस पे है, आप खुद ही देख लो, 160 रुपये, और वजन में काफ़ी अंतर है, लगभग डबल सी क्वांटिटी की ही है, डबल तो नहीं है, थोड़ा फर्क है। अगर ये 100 ग्राम की होगी तो ये समझो आप कि 125 या 150 ग्राम की है। आप
पे निश्चय को पढ़ाई करते करते है ना भूख लग गई थी। आपने देखा होगा ना जब मैं बाहर गई थी तो फिर उस वो जलजीरा जब मैं देख के आई थी इनको, तो उस टाइम पे निश्चय वहाँ पे बैठ के पढ़ाई ही कर रहा था। तो उसने कहा मम्मा मुझे भूख लगी है बीच में, क्योंकि बच्चों को है ना खाने पीने का ये सही टाइम होता है। अगर कोई बच्चा वैसे खाने पीने नखरे करता हो ना तो इस टाइम पे तो ज़रूर भूख लगती है बच्चों को। दूध वूध देने का बढ़िया टाइम होता है पढ़ाई के बीच में। तो यहाँ पर फिर मैंने उसके लिए थोड़ा सा उपमा बना दिया था। क्योंकि निश्चय को है ना उपमा खाना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं उसको इस तरह से सेट करके और थोड़ा सा मतलब मूंगफली वूंगफली और ये सब डाल के प्याज वगैरह डाल के ऊपर से दे देती हूँ ना, या फिर सेव भुजिया होती है ना जो हल्की पतली वाली, बिल्कुल वो वाली डाल के दे दो तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब उसके नाश्ते में ना सबसे फेवरेट उसका यही है, बिना मिर्ची का बना दो उपमा हल्का सा। और यहाँ पर फिर दोबारा से मैंने उसको रिविज़न के लिए बिठा दिया था। बाहर जब बैठा था तो वो लिखने का काम कर रहा था और मैंने अभी उसको वर्ड्स जो है ना पढ़ने के लिए बोला कि बेटा आप इसको पढ़ो तभी आप याद कर पाओगे। तो यहाँ पे अब हम शुरू कर देते हैं अपना एप्रन बनाना। उसके लिए एक ये बड़ा सा कपड़ा है मेरे पास जिसमें से मुझे काटना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कपड़ा ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो मैंने 32 इंच पे निशान लगा लिया है और फिर मैंने कैंची से अलग कर दिया है, क्योंकि ऊपर वाला जो कपड़ा है वो हमारे किसी काम नहीं आएगा। तो मतलब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि 32 इंच का कपड़ा चाहिएगा, कि अगर आपके पास कोई छोटा कपड़ा है तो आप उसमें से बना सकते हो, आप ये मत सोचिएगा कि इतना बड़ा कपड़ा चाहिएगा। अब हमने इसको डबल कर लिया है। और अगर मैं इसकी टोटल चौड़ाई की बात करूँ डबल करने से पहले की चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई है 21। याद रखिएगा लंबाई 32 चाहिए कपड़े की और चौड़ाई में अरज में चाहिए हमें 21 इंच, बस इतना सा कपड़ा चाहिए। और सबसे ऊपर आपको बंद वाली साइड से इंची टेप लगा देना है, साइड जहाँ से हम फोल्ड करते हैं ना फोल्ड वाली साइड से 6 इंच का निशान आपको लगा देना है। अब आपको उसी निशान पे रख के और सीधा लंबाई की तरफ इंची टेप रखना है और 10 इंच का निशान लगा देना है। जो लोग थोड़ी बहुत सिलाई जानते हैं उनको पता होगा कि सूट में किस तरह से निशान लगता है। तो ये सूट के तीरे और मोड़े वाला निशान है, तीरा 6 इंच का और जो मोटा कटा है वो कटा है 10 इंच का। तो बस आपको 2.5 इंच की गोलाई पे ये इस तरीके से काट देना है। आपको इतने ही साइज़ का एक और कपड़ा चाहिएगा। मेरा कपड़ा जो है ये नीचे वाला, ये पहले से ही डबल फोल्ड है, मतलब फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, डबल हो रखा है ये कपड़ा, डबल लेयर में है अभी। तो यहाँ पर जो है मैंने एप्रन को डबल में ही जैसे हमने कटिंग किया है वैसे इसके ऊपर बिछा दिया है। तो अगर आपके पास लंबा चौड़ा कपड़ा है तो आप उसमें से इस तरीके से बिछा के कटिंग कर सकते हो, वरना फिर आप अगर इस तरह से रख के ना कटिंग कर पाओ, वैसे रखने के बाद आसानी रहती है, अगर इंची टेप से नाप लगाओगे तो 19-20 फ़र्क हो सकता है। तो बस इसी तरीके से आपको दूसरे कपड़े पर बिछा के और सेम वही कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पे मैं ना जो इसके साथ में प्लेन पट्टियाँ लगाने वाली हूँ, प्लेन मैं इसलिए लगा रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कि कहीं आपको ये ना लगे कि हाँ मैचिंग नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि मेरा जो कपड़ा है वो प्रिंट वाला है, मैंने ये 2 पट्टी निकाल ली है 20-20 21-21 इंच की, और इसको हम जो है ना साइड में जो पीछे बंधता है वो काम में लेंगे। और ये एक पट्टी मैंने इसी वाले में से निकाल दी है जिसको कि हम नेक पे लगाएंगे, जो हमारे गले में डलता है डोरी। तो वो अब आपकी मर्जी है, आपके कपड़े पे डिपेंड करता है, आप जैसी चाहो वैसी निकाल सकते हो, प्लेन चाहो प्लेन और प्रिंट वाली चाहो तो प्रिंट वाली, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपको 3 पट्टियाँ निकाल लेनी है जिसका कि हम नाड़ा टाइप बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना गली में भेड़ बकरियाँ आई हुई थी, पूरा राजस्थान जैसे लग रहा था यहीं पर आ गया है। और हमारे यहाँ पर ना इन्होंने झुग्गियाँ डाली हुई हैं घर से थोड़ा सी दूरी पे, और अब की बार तो इन्होंने भी झुग्गी है ना बिल्कुल पास पास नहीं डाली, मतलब काफ़ी समझदारी दिखाई है इन लोगों ने भी, थोड़ा थोड़ा गैप में मतलब बैठे हुए हैं ये सब। तो बस मुझे लगा चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं पट्टियों से। तो जो ये 2 पट्टियाँ ब्लैक प्लेन कलर की मैंने काटी थी ना, मैं फिर से वही बोलूँगी आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइए कि आपको कौन से कलर की अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कलर की आपके पास हैं आप लगा सकते हो, उससे थोड़ा बहुत मेल खाता कोई भी कलर, अगर आपके पास वो वाला कपड़ा ज़्यादा नहीं है या उसमें से कपड़ा नहीं बचा है तो। और फिर आपको इस तरीके से फोल्ड करके इसको नाड़ा की तरह सील लेना है। मैंने इसलिए नहीं बनाना बताया डिटेल में नाड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग नाड़ा सिलाई जानते हैं वो नाड़ा आराम से सील लेते हैं, और जो नाड़ा नहीं सील पाते तो वो एप्रन नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए बस मैंने आपको बता दिया कि ये 3 पट्टियाँ आपको 20-20 21 इंच की तैयार कर लेनी है। तो ये यहाँ पर मेरी 3 की 3 रेडी हो चुकी हैं। अब इनको आपको रख देना है साइड में। और अब जो आपका मैं दिखा रही हूँ कि एक ये प्रिंट वाली भी रेडी हो चुकी है। और अब आपको जो ये कपड़ा है ना हमारा जो मेन पार्ट है उसको सीधा बिछा लेना है। कपड़े की 2 साइड होती हैं, उल्टी और सीधी, प्रिंट वाले सूट में होती हैं ज़्यादातर, प्लेन सूट में नहीं इतना पता चलता। अगर आप प्लेन कपड़े का बनाना चाह रहे हो तो उसका भी बना सकते हो। और जो एप्रन है ना वो सॉरी अस्तर है उसको आपको
उल्टा करके रख देना है। याद रखिएगा कि मेन कपड़ा सीधा रखा है और अस्तर उसके ऊपर उल्टा रखा हुआ है, ऐसे, मतलब सीधी सीधी दोनों साइड अंदर और उल्टी उल्टी दोनों साइड बाहर। और अब आपको इसका एक कोई भी कोना उठा लेना है और इस तरह से सिलाई लगाना शुरू कर देना है। आपको सिलाई जो है ना इसके चारों तरफ लगानी है, लेकिन चारों तरफ सिलाई लगाने से पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहीं तक सुन के और सिलाई लगाना शुरू कर दो। तो यहाँ पे जब हम इस पे पहुँच जाएंगे ना, ये जो मतलब आपका हिस्सा जो आप कह लीजिए अंडर आर्म्स में जो आएगा, मोटे का जहाँ पे एंड होता है, जहाँ से हमारी फिटिंग शुरू होती है सूट की, वहाँ पे एक बद्दी को देख के, एक जो नाड़ा हमने बद्दी वाले सीले थे उनको देख के बीच में, और सारा उसको अंदर खिसका देना और बस इस तरह से सिलाई लगा देना। इससे क्या होता है ना, अंडरग्राउंड सिलाई हो जाएगी, मतलब अच्छी लगती है वो देखने में, बाहर नहीं लगेगा। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो फिर मैं आपको आगे दूसरा तरीका भी बताऊंगी, वैसे इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस इतना करने के बाद आपको दूसरी पट्टी लेनी है और दूसरे कंधे की साइड में, मतलब कि जो हिस्सा आपके अंडर आर्म्स में आएगा, उसमें इस तरीके से बीच में लगानी है और बस फिर एक जो है सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। और ये सिलाई आप पक्की ही लगाना, और पक्की ना लगाना चाहो तो आप कच्ची भी लगा सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर हम एक पैर की ओर सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस साइड में मैंने सारे में सिलाई लगा ली है। तो अब जो बारी आ गई है ना, ये नीचे वाले पोर्शन की आ गई है, तो इसमें से अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ से आपको उठाना है और सिर्फ इतने हिस्से में सिलाई लगा देनी है। जो ये वाला हिस्सा है इसको आपको छोड़ देना अभी के लिए, इस पर सिलाई नहीं लगाओगे। तो बस जहाँ तक मैंने बताया वहाँ तक आप सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करना है। और आप सोच रहे होगे ना मेरे अस्तर में जोड़ कैसा है, तो हाँ मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था तो मैंने जोड़ लगा लिया बीच में। तो मैं आपको मतलब बिल्कुल आसान और ऐसे तरीके से बता रही हूँ कि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें कपड़ा बाहर से लाना पड़ेगा ये वो। और अब आप हमने जो खुली जगह छोड़ी है ना जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई, वहाँ से इसको इस तरह से पलट देना है। इससे आपके एप्रन की सारी सिलाई ना मतलब अंदर की तरफ चली जाती है, बाहर आपको सिलाई दिखेगी ही नहीं बिल्कुल भी। अब मैंने छोटा सा पेचकस ले लिया है और जितने भी कोने हैं ना वो सारे निकाल दूंगी, आप पेचकस की मदद से या चम्मच की मदद से, पीछे नोक होती है जो, वहाँ से इस तरह से उसके कोने सीधे कर सकते हैं क्योंकि वो अंदर की तरफ मुड़ गए हैं। और यहाँ पे फिर आपको क्या करना है कि जहाँ ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है, जो हमने तीरा काटा था, गला तो इसमें कटेगा नहीं, सीधा तीरा ही कटेगा, वहाँ पे प्रिंट वाली पट्टी को मैंने रख दिया है। आप कोई भी अपनी एक पट्टी रख सकते हो और एक कोने पे सिलाई लगा दी और दूसरी जो नाड़े का कोना है उसके दूसरे कोने पे सिलाई लगा दी है। तो आप देख सकते हो बड़े आराम से, मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन सिलाई का वीडियो मैं पहली बार बना रही हूँ, पता नहीं आप समझ पाओगे या नहीं, या मैं समझा पाऊँगी या नहीं। तो बस आपको अब जो है ना सीधा करके पूरे पे एक पैर की सिलाई लगा देनी है। सीधा तो एक्चुअली हमने पहले ही कर लिया है, अब आपको पूरे पे एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो हमारे पूरे एप्रन पे सिलाई लग चुकी है। अब आप सोच रहे होगे जो हमने खाली जगह छोड़ी है ये वाली, इसका क्या करना है, तो उसको इस तरह से मोड़ना है आपको और सीधा पकड़ लेना है। सारा कपड़ा ये अंदर चला गया है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, और बस इस तरह से आपको उस पर भी सिलाई लगा देनी है। बहुत आसानी से लग जाएगी, जो लोग सिलाई करना जानते हैं वो बहुत आसानी से बना लेंगे, जो थोड़ी बहुत भी करना जानते हैं ना वो भी बना लेंगे। तो ये एप्रन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे एप्रन में तो एक हल्का सा वाइट निशान भी है, ये इसमें डिफेक्ट आया था थोड़ा सा इस कपड़े में, जो कि साइड में निकल गया था, थान का सूट था तो लास्ट पीस था इसका, तो इस वजह से। तो बताइएगा ज़रूर किस किस को समझ आया और आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और मैं आपको समझा पाई या नहीं समझा पाई, और कौन कौन बना रहा है या कौन कौन बनाने वाला है। फटाफट से अपनी मशीन निकालो, कपड़ा अपने घर में कपड़ा ढूंढो, या फिर कोई आपका जो वेस्ट सूट पड़ा है वो ढूंढो और कर दो काम शुरू। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था, शाम वाली झाड़ू, क्योंकि शाम की झाड़ू तो देखो वैसे भी लगानी होती ही होती है। आज मैंने थोड़ा जल्दी लगा दी है क्योंकि कत्तर वत्तर तो फैल ही जाती है चाहे हम कितना भी हाथ से समेट लें। उसके बाद मैं वापस जो है ना किचन में आ गई हूँ, और किचन में आने के बाद मैंने मसालदानी है ना धो के रखी थी, तो वो वापस से मसालदानी में सारे मसाले फिल कर दिए हैं मैंने, जो जो खाली हो गए थे, और उसके बाद मसालदानी के अंदर सजा दिए हैं सारे के सारे। और मसालदानी है ना बहुत अच्छी लगती है कलरफुल देखने में, है ना। वैसे अभी मेरे मसालदानी में वाइट नहीं दिख रहा क्योंकि मैं नमक कभी नहीं डालती हूँ मसालदानी में। और यहाँ पे जो है ना मैंने जो किचन के कपड़े होते हैं ना वो उबलने के लिए रख दिए हैं पानी में, और इसमें मैंने डाला है मीठा सोडा और थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा नमक। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं से एंड करूंगी क्योंकि आज मुझे टाइम भी नहीं मिला आप लोगों से बाय बाय करने का, बैठ के बात करने का।
तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहीं से कर देती हूँ आज के इस वीडियो को एंड। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद बोला है मैंने ये दोनों बातें, लाइक और सब्सक्राइब करने वाली। और एप्रन बनाने का तरीका जिस जिसको पसंद में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय, टेक केयर। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।